क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट की तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जब क्रिकेट के मैदान जंग में बदल गए और खिलाड़ी खेलने की बजाय गेंद और बल्ले से लड़ने लगे। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट के मैदानों में होने वाली खतरनाक लड़ाइयाँ दिखाएंगे जो शायकीने क्रिकेट कभी नहीं भूल सकते। नंबर 10, कैरन पुलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये लड़ाई 2014 के आईपीएल की है जब कैरन पुलार्ड और मिचेल स्टार्क आमने सामने हुए। मिचेल स्टार्क की तेज गेंदों के सामने कैरन पुलार्ड बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद रोहित शर्मा खूब लाठी चार्ज कर रहे थे। 70वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद स्टार्क ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो पुलार्ड को अपने आप से बाहर करने के लिए काफी थे। पुलार्ड ने गुस्से में आकर अपना बारी बल्ला स्टार्क की तरफ दे मारा। किस्मत अच्छी थी, वो बाल बाल बच गए। नंबर 9, शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। ये वाकया 2007 में होने वाली वनडे सीरीज का है जब शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर आपस में भिड़ जाते हैं और फेस टू फेस आंखों में आंखें डालकर हिंदी और उर्दू में गालियां निकालते हैं, जहां पर मौजूद कमेंटेटर रमीज राजा को ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। गालियां इतनी बुरी होती हैं कि रमीज राजा ट्रांसलेट करने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद भी शाहिद और गौतम गंभीर अक्सर ट्विटर पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 8, शीन वॉन वर्सेस मार्लन सैमुअल। क्रिकेट में शोर शराबा ना हो तो मैच देखने का मजा ही नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया को हमेशा लड़ाकों की टीम कहा जाता है, जहां चेहरे से मासूम नजर आने वाले शीन वॉन जैसे भी लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। ये बात है 2013 में होने वाली बिग बैश लीग की, जब सैमुअल और शीन वॉन को एक दूसरे के गले पड़ते हुए देखा गया। हुआ कुछ यूं कि सैमुअल ने डेविड हस्सी के सामने आकर मजाक से पकड़ लिया और रन लेने से रोक लिया। इस बात को शीन वॉन ने अपने दिल में रखा और दूसरी इनिंग में वेस्टइंडीज के जेंटलमैन सैमुअल को गिरेबान से पकड़ लिया। इसके बावजूद सैमुअल चुप रहे और जाने दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर शीन वॉन ने बदतमीजी की हद कर दी और गेंद उठाकर सैमुअल के मुंह पर दे मारी। सैमुअल भी शराफत के दायरे से बाहर आए और करारा जवाब देते हुए अपना बल्ला शीन वॉन की तरफ उछाल दिया। खुशकिस्मती से बल्ला किसी को न लगा, वरना बात आगे बढ़ जाती। इस गर्मा गर्मी के बाद अंपायर्स और दूसरे खिलाड़ी लड़ाई रुकवाने के लिए दरमियान में आ गए। इस लड़ाई के बाद शीन वॉन बार बार सैमुअल को पागल होने का इशारा करते रहे। हकीकत में वो खुद पागल थे, जिसे मैं नहीं बल्कि लाखों शायकीने क्रिकेट ने कहा। नंबर 7, बरमूडा प्लेयर्स फाइट। दोस्तों, इस मैच में होने वाली लड़ाई को क्रिकेट की तारीख में कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई जेसन एंडरसन और जॉर्ज ब्रायन के दरमियान लड़ी गई। इस लड़ाई का आगाज उस वक्त हुआ जब विकेट कीपर भागते हुए आए और आते ही बैट्समैन के सर पर जोर से मुक्का दे मारा। इतने में साथी खिलाड़ी आए और लड़ाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर ने सबके होते हुए एक बार फिर बैट्समैन पर हमला कर दिया। तब बैट्समैन को भी गुस्सा आया और इसने विकेट कीपर जेसन एंडरसन के सर पर जोर से बल्ला दे मारा। इसके बाद दीगर खिलाड़ी भी पीछे न रहे और आपस में मुक्कों, बल्लों और लातों की बारिश कर दी। इस लड़ाई ने दोनों खिलाड़ियों के कैरियर तबाह कर दिए। दोनों खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई और लड़ाई के दौरान ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। नंबर 6, जवेद मियादाद वर्सेस कैरन मोरे। दोस्तों, ये वाकया 1992 के वर्ल्ड कप का है और ये लड़ाई भी सब लड़ाइयों से ज़बरदस्त है। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। इस मैच में जवेद मियादाद बैटिंग कर रहे थे और इंडियन विकेट कीपर कैरन मोरे जवेद मियादाद पर बार बार आउट की अपील कर रहे थे, जिससे गुस्सा आकर जवेद मियादाद ने बॉलर को रोका और पीछे विकेट कीपर को कहने लगे, क्या मसला है तुम्हें,
फिर इसके बाद दोनों का पारा काफ़ी हाई हुआ, जिसकी वजह से जवेर ने अगली ही गेंद पर बाउंड्री जड़ दी। फिर इसके बाद उछल उछल कर अपना गुस्सा कम करने लगे। जवेर का ये अंदाज काफ़ी वायरल हुआ, जिसे देखकर न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि शायकीन क्रिकेट भी इंटरटेन होते हैं। नंबर 5, ईशांत शर्मा वर्सेस कामरान अकमल। दोस्तों, ये बात है 2012 में हुए T20 मैच की, जब कामरान अकमल और ईशांत शर्मा का आमना सामना होता है। इस दौरान कामरान अकमल ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हो जाती हैं, लेकिन ये 9 बॉल होती है, जिसकी वजह से ईशांत का पारा काफ़ी हाई हो जाता है और ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर चलाने लगते हैं। इतनी ही देर में अंपायर्स और सुरेश रायना इन दोनों के दरमियान आ जाती हैं और इस लड़ाई को रुकवा देती हैं। दोस्तों, अगर अंपायर और रायना इन दोनों खिलाड़ियों को ना हटाते तो मैच के दौरान बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी। नंबर 4, अहमद शहजाद वर्सेस दिलशान। ये लड़ाई 2014 के T20 मैच की है, जब दिलशान और अहमद शहजाद के दरमियान लफ्ज़ों की लड़ाई शुरू होती है। दिलशान इस लड़ाई को रोकना चाहते थे, लेकिन अहमद शहजाद की बदतमीज़ी की इंतहा हो जाती है और वो दिलशान का बैट पकड़कर इसे धक्का मारते हैं। इसके बाद शाहिद अफरीदी और अंपायर इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। इस लड़ाई के बाद अहमद शहजाद की सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद की जाती है। नंबर 3, मैक्सिवेल वर्सेस श्रीलंकन टीम। ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सनसनीखेज T20 मैच का है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को ओवर की आखिरी गेंद पर 4 स्कोर करने थे। श्रीलंकन टीम मैच की आखिरी गेंद करने से पहले फील्ड प्लेसमेंट पर टाइम लगा रही थी, जिसकी वजह से मैक्सिवेल नाराज़ होकर जयवर्धने और मैथ्यूज़ का मुँह चढ़ाने लगे। मैथ्यूज़ आगे बढ़े और मैक्सिवेल को आखिरी गेंद खेलने के लिए कहा। 20वें ओवर की आखिरी गेंद परेरा ने करवाई, जिस पर कोई स्कोर ना मिल सका। मैच हारने के बाद मैक्सिवेल श्रीलंकन प्लेयर से लड़ने की कोशिश करते रहे और मैच हारने के बाद इन्होंने श्रीलंकन टीम से माफ़ी मांग ली और इन्हें जुर्माना भी अदा करना पड़ा। नंबर 2, हरभजन सिंह वर्सेस श्रीशांत। दोस्तों, IPL हो या फिर कोई भी क्रिकेट मैच, इंडियन प्लेयर्स लड़ाई झगड़े या फिर गाली गलौच में किसी से कम नहीं। इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स की खास बात यह है कि ये मुखालफ टीम के साथ साथ अपने खिलाड़ियों के साथ भी हाथापाई कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया IPL 2008 में देखने को मिला, जब हरभजन सिंह ने छोटी सी बात पर मैच के दौरान ही श्रीशांत को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। ये मैच किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियन के दरमियान खेला जा रहा था। लड़ाई उस वक़्त शुरू हुई जब मुंबई इंडियन के कप्तान हरभजन सिंह ये मैच हार गए। मैच के बाद श्रीशांत ने हाथ मिलाते हुए हरभजन को हार्ड लक कह दिया। हरभजन गुस्से में आए और श्रीशांत को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, जिस पर श्रीशांत ग्राउंड में ही सबके सामने रोने लगे। इस मैच के बाद शायकीन क्रिकेट ने हरभजन पर लान तान की, फिर हरभजन ने श्रीशांत से माफ़ी मांग ली। नंबर 1, शुएब अख्तर वर्सेस हरभजन सिंह। ये वाकया एशिया कप 2010 का है, जब शुएब अख्तर हरभजन को बॉलिंग करवा रहे होते हैं। हरभजन शुएब को छक्का लगाकर ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद शुएब अख्तर भी लगातार 2 बाउंसर करवाते हैं जो हरभजन से मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का पारा काफ़ी हाई हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसकी लड़ाई सबसे ख़तरनाक लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। कर रहे हैं, लेकिन इस साल मत आइयो, वो हिंदुस्तानी भाव आ रखे, तेरे को देखते ही बोलेंगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। आज का फंक्शन यही खत्म करते हैं। अब अगर तुम लोग कोई वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 1.5 1.5 मिलियन लाइक्स के लिए। कर दो यार, ये इंसान खुशी से झूम उठेगा।
पैसे नहीं मिलते लेकिन खुशी जरूर मिलती है। और यार चोर बढ़ती रहनी चाहिए, सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उस पे सांप बिच्छू केकड़ा मधुमक्खी जो भी पकड़ने का अपने हाथ में गूदा रखते हो ना उसे फेंक के मारो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, वो मोहित के लिए रिश्ता आया है, बाय मोहित। हाँ लड़की तो देखा, अबे डरा।